उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40 स्टार प्रचारक शामिल हैं। लिस्ट में पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को जगह दी है। इसके साथ ही सूची में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी कुछ नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी, केशव प्रसाद मौर्य, मुख्तार अब्बास नकवी, रामविलास पासवान, स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी समेत दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। यह लिस्ट पहले और दूसरे चरण के प्रचारकों की है। हालांकि बीजेपी की इस लिस्ट में पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, बीजेपी के पूर्व यूपी प्रमुख लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी स्टार प्रचारक पार्टी की लिस्ट से बाहर रखे गए हैं। इनके अलावा विनय कटियार और वरुण गांधी को भी लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को स्टार प्रचारकों में जगह नहीं मिल पाई है। वहीं बताया जा रहा है कि सुषमा स्वराज के अस्वस्थ होने की वजह से और लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह नहीं मिली है। चुनाव में जनता तक पार्टी के कार्यों और वादों को पहुंचाने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी कर दी, मगर लिस्ट आने के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि जब बीजेपी दूसरी पार्टी से आए नेताओं को स्टार प्रचारकों में रख सकती है तो अपने नेताओं से इतना परहेज क्यों। देखते रहिए डीबी लाइव।